अस्सलामुअलैकुम। सो हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी C21 की, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है 5000 mAh बैटरी के साथ, ट्रिपल कैमरा के साथ जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है। जो कि ये कि कहा जा रहा है कि ये लेटेस्ट स्मार्टफोन जो है आपके लिए एक बजट फोन होने वाला है। तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको जो है नेक्स्ट मंथ में जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल अरुष, तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. देखिए, अगर हम इसके डिजाइन और डिस्प्ले से अगर स्टार्ट करें तो इसका जो डिजाइन है वो ये कि आपको ज्योमेट्रिक शेप में मिलेगा। और इसमें जो स्क्रीन के साइज की बात करते हैं तो ये है कि आपको 6.5 इंचेस का LCD जो कि 720 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ है, 20:9 का जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसमें आपको मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है इसके बैक पर आपको देखने को मिलेगा। कलर वेरिएंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 2 कलर्स में अवेलेबल होगा, जो कि आप यूज करोगे। पहला जो यूज करोगे वो जो है क्रॉस ब्लू के नाम से है, और सेकंड जो आप यूज करोगे वो क्रॉस ब्लैक के नाम से है। प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये है कि मीडिया टेक हेलियो G35 का यूज किया गया है, जो कि गेमिंग के हिसाब से बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और ये है कि अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें यह है कि आपको एक ही वेरियंट देखने को मिलेगा, जो कि यह है कि आप 3GB के साथ जो आप यूज करोगे इंटरनल वो 32GB का होगा। और यह कि SD कार्ड सपोर्टेड भी है, जो कि यह है कि आप अपनी मेमोरी को जो है मजीद एक्सपेंड भी कर सकते हो। देखिए, अगर हम इसके सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करते हैं तो इसमें जो आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे वो एंड्रॉयड 10 का आप यूज करोगे। कैमरा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह है कि आपको 13 MP जो है इसका मेन कैमरा होगा, 2 MP जो है वो आप मैक्रो का यूज़ करोगे, 2 MP जो है वो आप मोनोक्रोम का यूज़ करोगे, और सेल्फी के लिए जो आप यूज़ करोगे वो 5 MP सेंसर का आप यूज़ करोगे। USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट भी इसमें आपको मिलेगा। और फाइनली अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल मार्केट में जो है $120 में अवेलेबल होगा, जो कि अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये अप्रॉक्स जो है 19,000 बनता है। तो गाइज, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।